फ्रेंड्स, रीट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट भर्ती 2021 में पदों की संख्या 50,000 होने को लेकर। जी हां, रीट भर्ती के लिए लगातार हम मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या में वृद्धि की जाए, 31,000 से पद बढ़ाकर और 50,000 किए जाए, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो रिक्त पदों की संख्या है वो काफी ज्यादा खाली है। लेवल वन और लेवल टू दोनों में ही पदों की संख्या काफी ज्यादा खाली है, इसलिए पदों की संख्या में अगर बढ़ाकर उनको 50,000 कर दी जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। और इसके लिए जो आज का हमारा जो वीडियो है वो एक विशेष बात को लेकर हम ये वीडियो के अंदर लाइव आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं कि रीट भर्ती के लिए लेवल वन और लेवल टू के अभ्यर्थी काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप लेवल वन और लेवल टू के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक बार सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके पदों की संख्या में वृद्धि की जो मांग है उसको जोर शोर से उठाइए। जी हाँ, आप अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग संघर्ष आपके खुद के मुद्दे भी है, अपने लेवल को लेकर भी है, लेकिन कम से कम आप जो पदों की संख्या की अंदर जो वृद्धि है, पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर जो मुद्दे हैं उनके अंदर आप एक मंच के ऊपर आए, एक साथ अपनी बात को रखें, तब ही पदों की संख्या में वृद्धि होगी। क्योंकि आप अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं और अलग अलग केवल और केवल आप अपने अपने लेवल्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसमें लेवल वन के अभ्यर्थियों को भी सभी को फायदा होगा और लेवल टू के अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा। जितने भी लेवल वन और लेवल टू के जो लीडर हैं, जो लेवल वन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो लेवल टू के जितने भी लीडर हैं जो लेवल टू के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, उन सभी से निवेदन भी है और जो उनसे जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप पदों की संख्या की वृद्धि को लेकर ज्यादा जोर दें, ज्यादा से ज्यादा इस बात को रखें कि पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। अगर पदों की संख्या 50,000 होती है तो उसका फायदा आप सभी को होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो 31,000 पद है उसमें निश्चित रूप से लेवल टू के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पदों की संख्या अगर आप सब्जेक्ट वाइज अब देखोगे तो काफी कम आपको देखने को मिलेगी सब्जेक्ट वाइज पद। जी हां, तो लेवल वन के अंदर और लेवल टू में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी से मैं आपको कहूंगा कि आप इस बात को जोर शोर से उठाए कि पदों की संख्या 50,000 हो, क्योंकि पदों की संख्या जब 50,000 होगी तो लगभग यूं मान के चले 19,000 पद और बढ़ जाएंगे, तो 19,000 में से लगभग 10,000 जो पद बढ़ने वाले हैं वो केवल लेवल वन के बढ़ेंगे और लगभग 9,000 के आसपास जो पद बढ़ेंगे वो लेवल टू के बढ़ेंगे। तो इसलिए दोनों ही लेवल के अभ्यर्थियों को फायदा होगा और आप थोड़ा सा जो लेवल के अंदर जो पदों की संख्या वृद्धि है इस मामले में आप एक मंच पर आके संघर्ष करें, सरकार तक अपनी बात को रखें, जो भी आप टीम बनाते हो उस टीम में लेवल वन और लेवल टू के सभी अभ्यर्थियों को, सभी जो छात्र नेता हैं उन सभी को शामिल करके और अपनी बात को रखें। आप अपना जो संघर्ष है उसको आप अपने स्तर पर जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पदों की संख्या वृद्धि है उसको लेकर आप अलग अलग ना जाए। पदों की संख्या वृद्धि होती है तो इसमें दोनों ही लेवल वालों का हित होगा, तो इसलिए इस मुद्दे के अंदर आप सभी से निवेदन है कि पदों की संख्या वृद्धि वाले मुद्दे में आप सभी एक साथ आए, लेवल वन के सभी अभ्यर्थी और लेवल टू के अभ्यर्थी, क्योंकि हमारा जो मेन जो काम है वो पदों की संख्या वृद्धि को लेकर है। अगर पदों की संख्या वृद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा होगा। अभी जिस प्रकार से 31,000 पद है तो 31,000 पदों के अंदर लगभग 16,500 से 17,000 पद जो है वो लेवल वन के आएंगे और बाकी जो पद जो बच जाते हैं लगभग मतलब कि 14,000-15,000 जो पद बच जाते हैं वो लेवल टू के आने वाले हैं, और जिनमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट के लगभग 4,500 के आसपास पद आ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के लगभग SST वालों के लगभग 3100 के आसपास पद आ रहे हैं और साइंस मैथ के भी लगभग इतने ही 3,000 से 3100 के आसपास पद आ रहे हैं। 100-200 पद कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 31,000 पदों के अंदर भी साइंस मैथ और SST के अंदर आप जब देखते हो तो 3,000 पद कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम पद हैं। तो इसलिए पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर विशेष तौर से जोर दें। अगर हम थोड़ा सा संघर्ष, जो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा संघर्ष पदों की संख्या वृद्धि को लेकर करेंगे एक मंच पर एक साथ आके, क्योंकि आप दोनों लेवल वाले अलग अलग बट गए, अब अपने पर्सनल मुद्दों को लेकर आप अलग अलग बट गए और उसका आपको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। आप
कुछ विशेष दिन आप केवल पदों की संख्या वृद्धि को लेकर ही संघर्ष करें, उस दिन अपने लेवल वाली बात को छोड़कर केवल पदों की संख्या को वृद्धि को लेकर ही विशेष रूप से संघर्ष करके एक साथ आए, जिससे हमारी बात सरकार तक पहुंचे और निश्चित रूप से पदों की संख्या के अंदर वृद्धि होने की पूरी संभावना है, पूरी पूरी संभावना है कि पदों की संख्या जो है उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है। उसके अलावा जैसे हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट है, उनके भी लगभग, जैसे संस्कृत के लगभग 1500-1600 के आसपास पद आ रहे हैं और हिंदी के लगभग 1500-1600 के आसपास पद आ रहे हैं 31,000 में। तो अगर पदों की संख्या वृद्धि होगी तो सभी सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी लेवल 2 के उनको फायदा होगा और लेवल 1 में भी सभी अभ्यर्थियों को फायदा होगा। आपका रिट भर्ती के अंदर कितना स्कोर बन रहा है आप कमेंट्स करें, साथ ही आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं या आप अदर स्टेट से हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है वो पूरे राजस्थान तक अब फैल चुका है और हमारे जो मुख्य मांग है वो एक ही है कि पदों की संख्या में 50,000 हो। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम सबका जो मुख्य जो काम है वो है पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर।